मैं तो खुद को मारना चाह रहा था लेकिन मौत ने कबूल नहीं किया। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हम लोग दूसरों से अपने आप को हकीर समझते हैं। हमें दीन की तरफ से क्या हुक्म है कि जुर्म से नफरत करो, मुजरिम से नहीं। अगर मुजरिम से नफरत करोगे तो वो और अंधेरे में जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद जवाद अहमद खान है सर। मैं 16 अप्रैल 1985 को पैदा हूँ सर। मैंने सबसे पहले न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल से अपना प्राइमरी कंप्लीट किया, क्लास 5 तक ही था वो स्कूल। उसके बाद क्लास 6 और 7 मैंने ग्रैंड फॉक्स से पढ़ा। ग्रैंड फॉक्स जहाँ से शिफ्ट हो गया था सफूरा घोट, तो इसकी वजह से फिर मैंने स्विच किया न्यू गुलशन फातिमा में। ये पारसियों का स्कूल है। उसके बाद जो है मैंने 9th और 10th जो है वो रजी चिल्ड्रन होम से किया। उसके बाद मैंने नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया क्योंकि मेरे वालिद साहब ने गोल्डन चिकन ले लिया था और हमारे घर में डकैती हो गई थी। क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं कुछ ज़्यादा ही दीनी आदमी हैं, तो वो मोबाइल पे लोन तक नहीं लेते थे माशाल्लाह, समझे। तो सारे पैसे भी माशाल्लाह उन्होंने घर के अंदर ही रखे हुए थे। वो जो उनको मेरे रिटायरमेंट के पैसे तकरीबन 8 लाख रुपये उस टाइम में 1998 के अंदर, तो डकैती के अंदर वो चले गए सारे पैसे, मतलब हमारा सारा फ्यूचर ही चला गया। नशों के अंदर मैं यूँ आ गया कि हमारे घर में जो डकैती हुई ना, हमारे मेरे मुँह बोले मामू थे अनवार अदीम खान, उन्होंने मेरे वालदेन का दिमाग ऐसा बनाया कि उस डकैती का इल्ज़ाम ही मुझ पर आ गया। ये बात भी मुझे तकरीबन 1.5 साल के बाद पता चली, और 1.5 साल तक मैं अपनी खाला के घर में रहूँ, कैसे रहूँ ये मैं जानता हूँ। नहीं, अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है। अम्मी का 2018 में हुआ है, वालिद साहब का 2020 में हुआ है। पापा ने मुझे बोला 1.5 साल के बाद, जब मैं दादा हंगामा करने लग गया खाला के घर में कि भाई मैं अपने घर क्यों नहीं जा रहा हूँ, सही है, तो मुझे बड़ी फुप्पो के यहाँ छोड़ दिया गया। मिलने तक नहीं आते थे मुझसे, मैं बिल्कुल तनहा फील करता था। जाहिर सी बात है, मैं एक बेटा हूँ, 2 बहनें हैं मेरी। एक जो सबसे छोटी बहन है वो मुझसे 7 साल छोटी है, वो समझे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला उसको, तो मैं उनको मिस करता था यार, लाजमी सी बात है। अपने घर को, हर चीज़ को मिस करता था मैं। 1.5 साल के बाद मेरे वालिद साहब मेरे फुप्पो के घर में आके मुझे बताते हैं कि मेरे घर में जो डकैती हुई है वो मैंने ही की है। तो ऐसा लगा कि बस ज़मीन ने निगल लिया और आसमान ने खा लिया मुझे। मैं तो खुद को मारना चाह रहा था लेकिन मौत ने कबूल नहीं किया। किसी ने भी नहीं बताया। मैं, मेरी खाला रहती हैं मोती महल में, मेरी खाला रहती है मोती महल में ना, तो वहाँ पे अभी तवक्कल जनरल स्टोर खुल गया है, गालिबन तवक्कल है, गालिबन हाँ तवक्कल ही है मेरे ख्याल से। उसके पड़ोस के अंदर ही स्टोर है, शराब का स्टोर है। मैं वहाँ गया, जाके मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे शराब मिलेगी। तो जब मेरे वालिद साहब ने रिटायरमेंट ली थी तो मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था। लाजमी सी बात है कि मेरे पापा मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमाता था। फर्स्ट जॉब मेरी उसके अंदर थी, इंग्लिश बूट हाउस के अंदर एज अ स्टॉक बॉय। उस वक्त मेरे सिर्फ 3,500 रुपये सैलरी थी, जो कि बहुत ज़्यादा होती थी उस ज़माने के अंदर। 3,500 रुपये हेल्दी अमाउंट यार। बहरहाल मैं वहाँ गया, जाके मैंने पूछा कि क्या मुझे शराब मिलेगी। तो स्टोर वाला बोलता है मुझे पैसे तो क्यों नहीं मिलेगी। उस वक्त जो है एक निप जिसे पौआ कहा जाता है, वो तकरीबन 70 रुपये का पौआ था, सही है। तो मैंने एक पौआ लिया, सही है, और एक आधा लिया यानी कि पॉइंट लिया, सही है। 175 रुपये का मुझे पॉइंट मिला और 70 रुपये का मुझे पौआ मिला। वो मैं लेके अपने घर आ गया। घर में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे 8 कमरे थे जिसमें अब कब्ज़ा हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ माई ड्रग्स हैबिट। तो मैं अपने कमरे के अंदर रहा तकरीबन, तो फिर उसके बाद वहीं पर मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। अब नहीं होता, पहले होता था, लेकिन अब मैं अपने आप को देखता हूँ ना, तो मेरी नज़र में मैं अच्छा हूँ इन लोगों से। अभी आपके सामने ही उन्होंने मुझे गिलास के लिए मना कर दिया कि मैं ड्रग्स लेता हूँ। अरे मैं ड्रग्स लेता हूँ मेरे भाई, बट आई एम अ मुस्लिम। हमें अगर हकारत दोगे तो हाउ कैन आई एक्सेप्ट यू यार, इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग मी। यू हेट क्राइम बट नॉट नेवर हेट द क्रिमिनल यार। हमें दीन की तरफ से क्या हुक्म है कि
जुर्म से नफरत करो, मुजरिम से नहीं। अगर मुजरिम से नफरत करोगे तो वो और अंधेरे में जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता यही है कि मुजरिम से नफरत की जाएगी, जुर्म को बोलते सब सही है। मैंने छोड़ने का सोचा, मैंने छोड़ा। 2013 में मैं इलाज पे गया, 2015 में मैं इलाज से आया, सही है। मेरा इलाज हुआ चांद बीवी फाउंडेशन के अंदर, सही है। नाजमाबाद मंशियात एंड नफसियात हॉस्पिटल था ये। 6 महीने बाद मेरी चरस पकड़ी गई वहाँ पे। अंदर चरस आती थी मेरे लिए, मैंने ऐसे सेटिंग बना ली थी, मेरी चरस आती थी अंदर, सही है। तो 6 महीने बाद मेरी चरस पकड़ी गई, तो मैं डिटेन हो गया तो मेरी मुलाकात नहीं आ रही। अब वो जो थी, मतलब यानी कि वहाँ की डॉक्टर थी, वो मेरी बहनों को बता रही है कि मैं सही नहीं हूँ और मैं साइको हो गया हूँ। अब वो मंशियात हॉस्पिटल और नफसियात हॉस्पिटल एक ही होता है, सही है। बिकॉज दिस इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम लोग दूसरों से अपने आप को हकीर समझते हैं। जब भी हम ये अंधेरे में जाते हैं, हम अंधेरे में जाते ही हैं ताकि कोई हमें देखे ना। एक्चुअली हम खुद को नहीं देखना चाहते। देखिए, मैं 13 साल की उम्र में नशे में पड़ गया, सही है। को एजुकेशन में मेरी तालीम है, माशाल्लाह 2 बहनों का भाई हूँ। कभी भी मतलब ये कि लड़की औरत इन सब चक्रों में मैं नहीं पड़ा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि शादी का शौक़ उस वक्त होता है ना कि जब मैं होश में होता। और मैं किसी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ जब मैं 2 बहनों का भाई हूँ। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा ना कि मतलब मेरा जो बहनों ही है वो अल्लाह ना करे कि नशे करे, तो कैसे मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करूँ। यार फॉर मी आई एम डेड, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम डेड। मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। मैंने तमाम नशे किए सिवाय इंजेक्शन के, मैंने कोई ऐसा नशा है जो नहीं किया। भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि अल्लाह से डरो, जो कि शायद मैं नहीं डर रहा, सही है। दूसरा कि सबसे पहले खुद से प्यार करो, उसके बाद अपने माँ बाप से प्यार करो, उसके बाद इस माशरे से प्यार करो। और हम जैसे उसे ना नफरत से बेहतर है कि हमें पोलाइटली डील करो। यार हम लोग भी इंसान हैं, हमें तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है मेरे भाई। हमसे कोई हमदर्दी नहीं करता क्योंकि हम लोग हैं ही नहीं इस लायक। मैं 13 साल की उम्र से नशा कर रहा हूँ सर, इस वक्त मेरी 38 साल उम्र है। तो व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी यार।